कि आपने नफरत और जहर का बीज फोड़कर देश को धर्म और जातियों में मात्र आपने बांटने का काम किया है। कब तक हमारी बेटियों को आप फूल समझकर यूं ही जो है आप उसके साथ एक खिलवाड़ करेंगे? वो फूल नहीं, चिंगारी है। ये संदेश ब्रजभूषण शरण तुम्हारे लिए है। BHU में पढ़ने वाली IT की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और बलात्कारी भाजपा के हैं। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी खामोश बैठे हैं। आज भारत रत्न रेवड़ियों की तरह बांटे जा रहे हैं, संघ RSS के लोगों को दिए जा रहे हैं। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और आज संघ भाजपा की सरकार ऐसे लोगों को भारत रत्न दे रही है जिनका आजादी से लेकर कहीं कोई योगदान आज तक इस देश की मिट्टी के लिए नहीं रहा है। आपका नेता 10,000 किलोमीटर चल रहा है, निकल पड़िएगा और नारी न्याय के नारे के साथ भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस, मेरी महिला अध्यक्ष पुष्पा जी और पूरी मेरी महिला बहनें आज यहाँ जो बैठी हैं, ये नारी न्याय की लड़ाई हमारा नेता राहुल गांधी लड़ रहा है। हमें उन्हें ताकत देनी है। मैं फिर कहूंगी अपनी बहनों को समर्पित करते हुए दो शब्द, और जितने भाई बहन पिता हमारे आए हुए हैं, अपनी बेटियों को ताकत दीजिए, आगे बढ़ाइए, उनके परों को कुतरिए मत, उनके परों को खोल दीजिए। वो बेटियां ऊंची उड़ान बनेगी और आपको, समाज को, देश पर उन पर गर्व होगा। मैं दो शब्द अपनी बहनों को समर्पित करके बात को समाप्त करूंगी। हिंद की है नारियां, हिंद की है नारियां जलती चिंगारियां, हिंद की है नारियां जलती चिंगारियां, समझे ना कोई हमें फूलों की क्यारियां, हम हिंद की है नारियां, हम हिंद की है या नारियां। ये संदेश ब्रजभूषण शरण तुम्हारे लिए है। BHU में पढ़ने वाली IT की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और बलात्कारी भाजपा के हैं। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी खामोश बैठे हैं। कब तक हमारी बेटियों को आप फूल समझकर यूं ही जो है आप उसके साथ एक खिलवाड़ करेंगे? वो फूल नहीं, चिंगारी है, ये अब हम बताएंगे और आगे का रास्ता हम खोलेंगे अपनी बहनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, कांग्रेस का, बूथ का, ब्लॉक का, जिले का, जो आज समर्पित क्रांतिकारी कार्यकर्ता हमारे सामने बैठा है। मैं आपको सिर्फ कहना चाहती हूँ, ये देश, ये दिल्ली एक बार फिर एक और क्रांति देखना चाहती है और वो क्रांति आप लाएंगे। आज ही घोषणा हुई है, भारत रत्न अवार्ड किसको मिला? जिसके सीने को नथुराम गोडसे ने चीरा, उस बापू को भारत रत्न मिला। जिस राजीव गांधी जी का खून इस मिट्टी में मिल गया, उसे भारत रत्न मिला। उस भारत माँ, हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी शहीद हुई, भारत रत्न उन्हें मिला। और आज संघ भाजपा की सरकार ऐसे लोगों को भारत रत्न दे रही है जिनका आजादी से लेकर कहीं कोई योगदान आज तक इस देश की मिट्टी के लिए नहीं रहा है। आज भारत रत्न रेवड़ियों की तरह बांटे जा रहे हैं, संघ RSS के लोगों को दिए जा रहे हैं। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। भारत रत्न की जो पहचान है, जो उसका त्याग है, बलिदान है, ये उस पे असली हक उन लोगों का है, ये उन्हें मिलना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, संघ RSS के प्रमुख को भी कल आप भारत रत्न से नवाजेंगे, लेकिन ये बताने की जब नौबत आएगी कि उनका योगदान देश की आजादी में या आज तक क्या रहा, तो आपके लिए बताने के लिए कुछ नहीं होगा, सिर्फ यही होगा कि आपने नफरत और जहर का बीज फोड़कर देश को धर्म और जातियों में मात्र आपने बांटने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।